साथ है। चीफ सेक्रेटरी आगे बढ़ो, जनता आपके साथ है। चीफ सेक्रेटरी आगे बढ़ो, जनता आपके साथ। एफआईआर दर्ज करो। सिन्हा साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। चीफ सेक्रेटरी को गिरफ्तार करो, न्यू माफिया को अंदर करो, माफिया को अंदर करो। मगरमच्छों को जिधर जमीन जा रही है वहाँ प्रदर्शन नहीं कर सकते कि वहाँ उसको ये शक है कि वो जो जिस जमीन के लिए कर रहे हैं वो जमीन उसके पांव से निकल गई है बाहर। वो जमीन को मला किसने है? वो जमीन पर कैप्चर किसने किया? उस पर कब्जा किसने करा है? पीडीपी का कार्यालय बठिंडी के अंदर जो है जिसको तोड़ दिया गया वो किसका था? एक पार्टी जिसका कार्यालय श्रीनगर के अंदर भी है, जम्मू के अंदर भी है, भू माफिया। आज वो मांग करती है और भू माफिया भी मांग करता है। ये मैंने पहली बार सुना मैडम। कहा जा रहा है कि गुंडों की सरकार चलाई जा रही है। कहाँ सरकार? आज के यहाँ तो गवर्नर रूल है, उपराज्यपाल शासन है। कहाँ सरकार? और जो सरकार के अंदर के तुम्हारे लोग हैं उन्होंने 40-40 कनाल, 50-50 कनाल, 100-100 कनाल है नंद लिया, कोई पूछने वाला नहीं। अब वो बाहर जा रही हैं, वापस जा रही हैं। आज कस्टोर है, आज ये कह रहा है कि मैं नरेंद्र मोदी को मानता ही नहीं, वो देश का प्रधानमंत्री है और कभी उसके साथ बैठ करके श्रीमान लोन जी, क्योंकि उसकी बहन की ज़मीन चली गई। आज बहन की ज़मीन जो कैप्चर की हुई थी वो गई, वो देश के प्रधानमंत्री को नहीं मानता, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को मान नहीं सकता क्योंकि उसकी लुटिया डूब गई है। अब किसको मानेगा? उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं समुदाय विशेष को निशाना बनाने की एक मुहिम जो है जम्मू कश्मीर में शुरू की गई है। यहाँ पर समुदाय विशेष, अच्छा वो जो किश्तवाड़ का मंत्री है वो समुदाय है? वो कौन सा समुदाय है उसका? उमर अब्दुल्ला जी आप चिंता नहीं करो, मैं आपका नाम लेना नहीं चाहता था, लेकिन एक बात बड़ा स्पष्ट करने का प्रयास करना चाहता हूँ। अब खैर नहीं है, पीला पंजा आ गया, 750 पंजे यहाँ आ गए हैं। अब देखो पंजे चलते किधर किधर हैं, किसी की खैर नहीं है। और इनका बड़ा धन्यवाद करना चाहता हूँ, दो बंदे ईमानदार। ये देखो फोटो लेकर के आया, अरे शुक्र है 75 वर्ष के बाद ये दो ईमानदार मूर्तियाँ जम्मू कश्मीर को मिली हैं, जिन मूर्तियों के माध्यम से आज बुलडोर से चला करके सफाया किया जा रहा है। और इनको कहते ये गुंडे, ये तुम गुंडे, जगह मलने वाले गुंडे, कहते हैं जमीन उठा करके उत्तर प्रदेश ले जाएगा, वो जमीन उठा करके उत्तर प्रदेश ले जाएगा। और तुम जमीन ले करके तुमने बेच दी करोड़ों रुपया, माननीय उपराज्यपाल जी ये करोड़ों रुपया जो एक बंदा नाम भी उसका गुजर है कोई, हो 3000 कनाल जमीन बेच दी और उसी में से वो ये हमारे फलाने साहब का घर, ये फलाने साहब का, ये ऊपर वाले साहब का, ये नीचे वाले साहब का आया बुलडोजर। अब देखते हैं किस साहब का होगा। जम्मू कश्मीर की तुलना अफगानिस्तान से किया मैं, वो कहा है कि जम्मू कश्मीर के हालात वैसे हैं जहाँ जैसे अफगानिस्तान के बने हुए हैं फिलहाल। वो तो पाकिस्तान का नाम ले लेती थी, उसको अफगानिस्तान कैसे याद आ गया? क्यों याद आया? तालिबान का शासन है ना, इसलिए शायद। जो इन लोगों ने करा वो तालिबान से ऊपर है, अफगानियों से भी ऊपर है वो। जो इनके मंत्रियों ने ज़मीनें मली उसका अकाउंट निकाल करके आपके समक्ष रखूंगा। वो सबसे ज़्यादा ज़मीन इन सियासतदानों ने कवर करी है। अशोक जी लेकिन उन लोगों का क्या जो कह रहे हैं कि जो भारत का तिरंगा लेकर घर से बाहर निकल रहे हैं और कह रहे हैं कि हम गरीब लोग हैं, हमें जो है नहीं हटाया जाए हमारे समाज। मैं गरीब लोग हूँ, मेरा नाम अशोक गुप्ता है, ये जितने आपके चैनल के ये आपने एंकरों ने हाथ में पकड़े मुझे दे दो, क्योंकि मैं गरीब हूँ।